हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिवरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मार्च में विषम सेमेस्टर परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात लगातार बच्चे रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं, तो अब समय भी काफ़ी हो चुका है। तो इस बीच अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर में एक पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं विभाग से जुड़ी हुई खबरें, न्यूज़ और अपडेट बच्चों को देते रहते हैं और वो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ से, जानकारी करके बोर्ड से, और वो बच्चों को बताते हैं। तो अभी कुछ बच्चे मैंने देखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे कि जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएँ 2023 में हुई हैं उनका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 अप्रैल के बीच में आ सकता है। बच्चे व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में ये स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो मैंने भी उसको देखा। तो इस हिसाब से चलिए मैं मान लेता हूं कि जो उन्होंने खबर दी है वो सही होगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, जैसे मार्च पिछले साल जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएं हुई थी वो 2 अप्रैल के लगभग खत्म हुई थी, और जो उसका रिजल्ट है वो 13 मई के लगभग जारी हुआ था, यानी 1 महीने 12 दिन के लगभग रिजल्ट तैयार होने में लगता है जो विषम सेमेस्टर का होता है। इस बार का जो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो इस बार 2 मार्च के लगभग परीक्षाएं खत्म हो गई थी, सारे विशेष पेपर, बैक पेपर वगैरह को भी अगर हम देखें। और अगर जो रिजल्ट की बात की जा रही है वो 10 से 15 अप्रैल के, तो वही लगभग 1 महीने और 12 दिन 13 दिन, ये इतना ही समझ में आ रहा है। तो लग रहा है कि ठीक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस बीच रिजल्ट के इंतजार में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, और ऐसी गलतियां जो उनके करियर के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो बच्चों, आप यदि रिजल्ट के इंतजार में पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, अपने कॉलेज संस्था नहीं जा रहे हैं, तो ये आप अपने आप में एक बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं जो आपको नहीं करना है। देखिए, रिजल्ट जो आना होगा वो आपका आएगा ही आएगा। यदि आपका किसी विषय में बैक आता है तो आपको उसकी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। आप वो ठीक है, आप पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर दें, आपका निकल जाए, वो एक अलग चीज़ है, इसके साथ में आपको तैयारी भी रखनी पड़ेगी। तो ये जो सेमेस्टर अभी आपका चूँकि सम सेमेस्टर है तो उसकी तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। तो जो समय आप नष्ट कर दिया है, लगभग मैं देख रहा हूँ कि पूरा मार्च निकल गया और ये अप्रैल चलने लगा, तो इसमें बच्चों आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि रिजल्ट के इंतजार में अपना समय नष्ट ना करें, समय से अपना सिलेबस जो इस सेमेस्टर का सम सेमेस्टर का उसको कंप्लीट करें, और जो अपना ध्यान है, फोकस है, वो अपने कौशल विकास में या स्किल डेवलपमेंट में करें। कौशल जो आपकी ब्रांच से संबंधित हो, जो आपको आगे चल करके जॉब दिलाए, मार्केट में आपको खड़ा कर दे, ऐसी स्किल जॉब आप सीखिए अपने ब्रांच से रिलेटेड, अपने विषय से रिलेटेड। तो बच्चों, अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ जॉब प्लेसमेंट पर ध्यान दें और अपने प्रोजेक्ट निर्माण में विशेष ध्यान दें। उनके लिए कंपनीज लगातार हो रही हैं और उनका प्री प्लेसमेंट पहले ही लगातार होता जा रहा है। कई बच्चे कई कई कंपनियों में भी सिलेक्ट हो गए हैं, यानी उनका डिप्लोमा पूर्ण करने के पहले ही उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी जॉब कंपनीज में लग चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है जब उसको जॉब मिल जाती है। तो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उनको अनमोल बना देता है। तो यदि आप समय का मोल समझेंगे, समय को नष्ट नहीं करेंगे, तो आप भी एक दिन अनमोल बन जाएंगे। और मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि जब पॉलिटेक्निक से निकलिए तो कागज का टुकड़ा सिर्फ डिप्लोमा लेकर के मत निकलिए, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा सीख करके अपनी जो स्किल है, जो कौशल है, उसको विकसित करके निकलिए जो आपके एक जीवन को, आपके एक करियर को एक नया आयाम दे सके। और आप जो अन्य पॉलिटेक्निक के और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं अन्य स्टेट्स के, उनके सामने आप खड़े हो सकें, उनको फाइट कर सकें, कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकें। तो बच्चों, आपको ऐसी स्किल सीख करके निकलना है, इसी डिप्लोमा के दौरान सीख करके आप निकलेंगे, तभी आपका सक्सेसफुल हो पाएगा ये 3 साल का जो समय रहा है जो आपने डिप्लोमा में दिया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप रिजल्ट के इंतजार में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट अपने तय समय में जब आना होगा तब आएगा, रिजल्ट का इंतजार किए बिना ये जो सम सेमिस्टर है इस पर फोकस करिए, सिलेबस पे इसको पढ़िए, कॉलेज जाकर के पढ़िए, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़िए, किताबों के माध्यम से पढ़िए, और इसके साथ साथ में स्किल निखारने में अपनी ध्यान दीजिए। नई नई कौशल, नई नई स्किल आप सीखिए, वही आपके आगे चल करके काम आने वाला है। तो शुभकामनाओं सहित रिजल्ट के लिए भी आपको मैं शुभकामना पहले से दिए देता हूं, और आपकी पढ़ाई के लिए मैं आपको विशेष शुभकामनाएं दिए देता हूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। फिर एक नए वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।